हम जब पैदा होते हैं तो एक खाली स्लेट के जैसे होते हैं। हमारी पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि एक इंसान की लिमिटेशंस क्या होती हैं, एक इंसान की कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, एक इंसान को जीवन किस तरह से जीना है, मतलब क्या क्या पढ़ाई करनी है और फाइनली नौकरी करके अपने घर को चलाना है, एक इंसान की डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए, एक इंसान किस तरह से बिहेव करेगा एंड बहुत कुछ। इनमें से सारी बातें गलत तो नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे स्टीरियोटाइप होते हैं जो हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन और हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को लिमिट करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है या जो बात हमसे कही गई है बचपन में, वो है जितनी चादर हो उतनी ही पैर हमें फैलाने चाहिए। इसका मतलब है कभी भी बड़ा और डिफरेंट मत सोचो। आज भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि तू इंजीनियरिंग कर ले या MBBS करके डॉक्टर बन जा। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि अपने बच्चों को नई स्किल्स सिखाई जाए या ये बताया जाए कि बहुत सारे अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं जिसके माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बोलते हैं और अपने बच्चों को गेम्स, म्यूजिक और बाकी सब चीजों से कट आउट और कट ऑफ करने के लिए बोलते हैं। और इसी वजह से यही हो भी रहा है कि 99.9% लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं और वो इस धरती से बिना नाम कमाए निकल जाएंगे। और मैं इसी जेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है वही हम अपने बच्चों को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं और वही हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कम्फर्ट जोन को नहीं छोड़ना। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान को पूछते हो जो अभी नौकरी कर रहे हैं, तो वो यही बोलेगा कि अब मैं इस नौकरी में खुश तो नहीं हूँ, मैं जिंदगी तो कुछ और जीना चाहता था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी फैमिली है, मैं इस नौकरी के माध्यम से अपनी फैमिली को पाल पा रहा हूँ और ऐसी हमारे पापा लोग भी करते थे, तो मैं भी अब ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रिस्क लेने का डर। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया है कि रिस्क नहीं लेना है, लाइफ एकदम सिक्योर करके चलनी है। रिस्क अगर आप लोगे तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि जो लोग रिस्क लेते हैं ना, वो अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा हासिल कर ही लेते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि अब इस जेल से बाहर कैसे निकलें? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक इमेजिनरी जेल है, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी लिमिटेशंस, जो भी समाज ने आपको बताई हैं, वो सब गलत हैं। आपकी कैपेबिलिटीज लिमिटलेस हैं, आपकी लिमिटेशंस कुछ है ही नहीं। तो बस आपको ये समझना है कि अगर मुझे अपनी करंट जिंदगी को चेंज करना है और ऐसी जिंदगी जीनी है जो आप हमेशा जीना चाहते थे, जिस काम में आपका मन लगता है आप वही करना चाहते थे, तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक डिसीजन लेना होगा कि भैया अब से मैं डेली 1 से 2 घंटे उन स्किल्स पर काम करना शुरू करूंगा जिन स्किल्स में मेरा मन लगता है। तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे करंट जिंदगी से अपने सपने वाली जिंदगी को जीने में। तो बस आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले डिसाइड करना है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो। दूसरा, उसके बाद जो भी आपने डिसीजन लिया है उसके तरफ हम एक्शन लेना शुरू करो, नई स्किल्स डेवलप करो, डेली टाइम निकालो और कुछ नया सीखो। और तीसरा, हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा ऐसा सोचो कि हम कुछ नया डेवलप करेंगे, हम कुछ नाम कमा के जाएंगे इस धरती पर से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।